नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में 16 साल की किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के साथ पड़ोसी किरायेदार ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। किशोरी ने अपने पड़ोसी की हरकत के बारे में पुलिस से शिकायत की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र के सत्यनारायण की टेकरी पर रहने वाली 16 साल की किशोरी अपने माता पिता के साथ किराए के घर में रहती है। यहीं पर सूरज कुमार भी किराए से रहता है। किशोरी के माता पिता किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान सूरज किसी बहाने से किशोरी के कमरे में घुस आया और उसने जबरदस्ती किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। किशोरी ने अपने परिजनों की पूरी घटना बताई। तभी परिजन तत्काल किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इंदरगंज में एक किशोरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो घर में अकेले सो रही थी और उनके मकान में ही दूसरा एक पास में किराएदार रहता है, उस गेट खुला हुआ था। उसने मौका पाकर अकेलेपन में उसको धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह उसने जब परिजनों को बताया तो परिजनों को लेकर फिर उसके द्वारा थाना इंदरगंज में रिपोर्ट की गई। उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म व पास्को एक्ट का। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।